सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें, हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें परमेश्वर, हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें परमेश्वर, हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें। हर एक शैतान के बंधन टूटे परमेश्वर, हर शैतानी बंधन टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, हर एक श्राप टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, हर एक श्राप टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, हमारी विहता जिंदगी से हर एक श्राप टूटे, हर एक श्राप टूटे, हर एक श्राप टूटे। डाइवोर्स कैंसिल हो, डाइवोर्स कैंसिल हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, डाइवोर्स कैंसिल हो। हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें परमेश्वर, एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ बनाए, हमारी मैरिड लाइफ आज से ब्लेस्ड हो, सब जन ऊंचे बात में, हमारी मैरिड लाइफ आज से ब्लेस्ड हो, हमारी मैरिड लाइफ आज से ब्लेस्ड हो, हमारी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड हो परमेश्वर। श्राप टूटे, डाइवोर्स कैंसिल हो, डाइवोर्स कैंसिल हो, श्राप टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, श्राप टूटे, क्योंकि जो बेस है, जो बेसिक है आपकी मैरिड लाइफ का, कि आपकी वाइफ आपके लिए आपकी देह के समान है, उसका उसकी केयर करें, और आपका हस्बैंड आपका हेड, आपका सिर है, उसकी कमियों को लोगों में ना गिनाएं, प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपने पति का ऑनर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, अपने अपने रोल को जो इफ्सियां 5 उसके 22 में परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शन है उनसे आप पूरा करेंगे तो आप ब्लेस्ड ठहरेंगे। आमीन। आप ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे भी एक ब्राइट फ्यूचर उन्हें परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपका बेस जो है परिवार का बेस, जो परिवार फैमिली परमेश्वर ने बनाई, उसे आप परमेश्वर में रहकर ही आप अच्छे से उसे निभा सकते हैं, अच्छे से आप जॉय कर सकते हैं। आमीन। तो परिवार परमेश्वर ने बनाया है, तो अगर आप एक पारिवारिक मेंबर हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आज से आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट, जब आप मैरिड लाइफ आपकी ब्लेस हो गई तो आपका बिजनेस भी क्या होना चाहिए, फलवंत होना चाहिए। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ की अच्छी बन रही है, लेकिन साथ में पैसा भी चाहिए जीवन जीने के लिए। हालेलुया। तो आप बिजनेस आपका ब्लेस हो तो उसके लिए आपको बोना होगा। हालेलुया। अगर आप बोने में कमजोर हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो भी कमजोर ठहरेगी। आमीन। आमीन मत बोले। हालेलुया।